नमस्कार किसान भाइयों, गायों में एफएमडी मतलब माउथ फूड डिसीज, मतलब खुर पका और मुंह पका, तो मैं आज आपको बताऊंगा अभी जो ठंडी का सीज़न है उसमें गायों में भैंसों में मुंह में छाले हो जाते हैं, उसको मुंह पका बोलते हैं, और पैर में माने खुर में घाव हो जाते हैं, खुर पका बोलते हैं। ठीक है, तो इसके निदान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो ठंडी के समय है, समझिए नवंबर में ये दोनों बीमारियाँ आती है, खुर पका और मुंह पका। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग टीका लगवाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर आप टीका लगवाइए। और यदि जिस गायों में, जिस किसान भाई का जो गाय है भैंस है, उसमें यदि किसी में मुंह पका हो गया है, मुंह पका मतलब मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके बारे में पहले बताता हूँ आपको उसके निदान के बारे में। वैसे मुंह पका तो वायरस है, होता है ना, 7 प्रकार के वायरस होते हैं, लेकिन आप लोग इसको कम से कम इसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक ये समय लगता है, आप लोग इसका देसी इलाज करिए। देसी इलाज मतलब क्या है कि आप जैसे कि टमाटर है, कम से कम टमाटर को आधा केजी सुबह और शाम खिलाइए। इससे क्या होता है, जो जीभ रहता है ना गाय के जीभ में, भैंस के जीभ में, उस पर कांटा हो जाते हैं, मतलब कांटा दाना दाना हो जाते हैं, तो आप टमाटर को खिलाएंगे तो उससे वो घिस जाता है ना, तो आसानी से खाना वाना खा सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी आता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट में इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सूखने का इंजेक्शन आता है और दर्द का इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये भी 1 से 5 दिन तक ये रहता है, और गाय खाना वाना खाते नहीं है, पूरा कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग टीका लगवाएं तो अच्छी बात है। और जिसमें ये बीमारी हो चुका है मुँह पका, तो आप उसको दर्द का टेबलेट खिलाइए, और मैं बोल रहा हूँ ये अपना टमाटर सुबह शाम आधा आधा किलो खिलाइए, उससे उसका जीभ साफ होगा, उसका दाना लगे वो साफ हो जाएगा, तो खाना खाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं खुर पका। खुर पका मतलब 2 प्रकार का होता है। खुर पका में अपना जो पैर का जो खुरी होता है, गाय का खुर होता है, उसमें एक गीला वाला होता है, एक सूखा वाला होता है। तो गीला वाला का मतलब होता है उसमें ना कीड़ा लग जाता है, तो एक्चुअल में क्या कहते हैं, जब तक कीड़ा रहेगा वो कीड़ा काटते हैं तो पैर को लोग झाड़ते हैं ऐसा कर पैर को पीछे पीछे, है ना, तो उसमें उसे कीड़ा लग गया होता है। तो आप सबसे पहले वो कीड़ा को निकालिए। कीड़ा को किस में निकालते हैं, आप एक हाईटेक नाम का एक आता है दवाई, उसमें निडिल लीजिए, और निडिल में डाल के उसको डालेंगे तो उसमें कीड़ा मर जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें डामर गोली भी लगा सकते हैं तो कीड़ा मर जाएगा, या आपका आता है नीला थोथा कापर सल्फेट, उसको डालेंगे तो कीड़ा मर जाएगा। कीड़ा मरने के बाद भी आप कोई भी इलाज करेंगे तब वो काम आएगा। अब उसके लिए क्या करना है, आप लोग को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आपको, है ना, 45 प्रोपेनिसिन लगा सकते हैं, डाइकिस्ट्रिन लगा सकते हैं, और दर्द का भी आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो इससे आपको राहत मिलेगी। ये भी 1 से 5 दिन तक रहता है, इसमें गाय मरते नहीं हैं, इसमें गाय धीरे धीरे सूखते जाता है, 5 दिन बाद खाना पीना छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके मर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग उसको टीका लगवाइए, और जिसके हो गया है तो मैं आपको बताया हूँ इंजेक्शन लगवाइए। एक और दूसरा खुरपका में जाते हैं, वो सूखा होता है। सूखा मतलब क्या होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगा होता है, लेकिन पैर उसका जो खुर का जो निचला भाग है वो छिला जाता है, छिल जाता है, मतलब वो सूखा वाला खुरपका होता है। उसमें सेलेनियम के कमी के नाम से होता है वो, है ना, तो सेलेनियम के कमी के नाम से आप लोग एग्रीमिन का पाउडर लेंगे, उसमें सेलेनियम रहेगा, उसमें 20 ग्राम सवेरे 20 ग्राम शाम को उसको खिलाना पड़ेगा। किसके साथ खिलाएंगे, जैसे कि आप लोग जो उबाल के खिलाते हैं अपना कोढ़ा वगैरह के देते हैं ना, कनकी कोढ़ा उसमें देते, उसमें उबालने के बाद उसमें डालना है ऊपर में, फिर उसको खिलाइए, तो उसमें जो उसका जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगा। और उसमें भी आप लोग इंजेक्शन लगवा सकते हैं, प्रोकनपेनिसिलिन और डाइकिस्ट्रिन दोनों लगा सकते हैं, प्रोकनपेनिसिलिन या डाइकिस्ट्रिन दोनों में एक लगा सकते हैं, और दर्द का इंजेक्शन लगवा सकते हैं जो भी। तो अभी आपको पास यदि कोई नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, टीकाकरण लगवा सकते हैं, जिसके पास हुआ है वो इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।